हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में गियर बॉक्स को देखेंगे कि यहाँ पे ये जो नट बोल्ट लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ वीडियो बनाया उसके बारे में पहले बता देता हूँ। इस एक्चुएटर का लिमिट कैसे लगाते हैं उसमें बताया, और साथ ही मैं इस गियर बॉक्स का रिपेयरिंग कैसे करता है उसका भी वीडियो बनाया हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ में उस वीडियो में मैं आपको बहुत बारीकी से टॉर्क भी लगाना बताया हूँ, लिमिट भी बताया हूँ, और साथ में जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो इसके ड्रॉइंग के ऊपर लाऊंगा कि इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, टॉर्क का, टॉर्क ओपन टॉर्क का, क्लोज टॉर्क का, लिमिट का कैसे वायरिंग करते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो छोटा होने वाला है क्योंकि मैं इसके गियर बॉक्स के बारे में बताऊंगा कि जो गियर बॉक्स है ये इसमें नट बोल्ट क्यों लगाया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि टॉर्क स्विच होता है, ठीक है, और ये टॉर्क स्विच कब काम करेगा कि जब हमारे पास जो भी इसमें टॉर्क हाई लग जाए, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क कितना लगा है ये पॉइंट के माध्यम से दिया रहता है। मैं टॉर्क के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा, टॉर्क में लगेगा तभी जाके इस स्विच वर्क करेगा। और टॉर्क कब लगेगा, जब इसको टच करेगा, या तो ये टच करेगा तो मतलब हाई, जब इसको क्लोज करना के चाहेगा पर ये क्लोज नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ से गियर बॉक्स आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट लगाया है। उस समय में अगर आप टॉर्क का कनेक्शन और टॉर्क लिमिट नहीं लगाए हैं आप, तो ये क्या करेगा कि इस चीज़ों को तोड़ सकता है। तो आपको इसलिए ये ध्यान लगाना रहना चाहिए कि जब इस चीज़ों को आप यूज कर रहे हैं, देखिए एक तरह से ये भी लिमिट का ही काम कर रहा है कि इसके बाद से ही टॉर्क काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हो जाएगा हाई टॉर्क, हाई टॉर्क जैसे मतलब यहाँ से ज़्यादा मैं ओपन करूँगा या यहाँ से ज़्यादा क्लोज करूँगा कि इस ऐसे करूँ कि मैं ये जो है गियर ये इससे ज़्यादा आए, मतलब इसको टच करेगा तो ये ज़्यादा आना चाहिए, जब यह ज़्यादा आएगा तो इसको टच करेगा, जब टच करेगा तो इसको अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, और जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उस समय ये टॉर्क काम करना चाहिए। तो इसीलिए इस टॉर्क का भी वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी आप इस टॉर्क का वायरिंग या लिमिट बिल्कुल भी ना छोड़ें, इस चीज़ों को ज़रूर लगाएँ। साथ ही में अब आप चाहें तो इसका ओपन का देख रहे हैं कि आपका ओपन क्लोज दोनों दिया रहता है, एक ये क्लोज का है जो मैं लगाएं, अब ओपन करूंगा तो वैसे ही सेटिंग कर देना है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत कम डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि तुरंत आपका टॉर्क जो स्विच है वो काम कर जाए। तो ये बेसिकली आपको टॉर्क लगाने के लिए ही काम करता है। और एक और इससे फायदा होता है कि गियर इसको नीचे उतरने का चांसेस नहीं रहता है, गियर मतलब इस लेबर के साथ में जो ये शाफ्ट है इससे कनेक्ट रहे, तो ये भी इसका काम होता है। चलिए इसको एक बार ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेट करके भी आपको इसको डिटेल्स में बता देते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है और कैसे इस नट बोल्ट का मैं सेटिंग किया हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा क्लोज है और यहाँ पे आप नट बोल्टिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब ये क्लोज पोजिशन में है अभी, और मैं अब इसको ओपन करूँगा और ओपन का मैं कमांड इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो ओपन कमांड देने के बाद से आप देखेंगे जब ये रोटेट होते हुए यहाँ तक आएगा और लिमिट उसके पहले ही प्रेस हो जाएगा, हल्का सा पहले ही, जैसे मैं अभी ऑपरेट हो गया, नॉइज आ रहा होगा, साउंड थोड़ा आ रहा होगा, आप उसी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे लिमिट भी लग जाएगा, लिमिट का वीडियो आप नहीं देखो तो देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट भी लग गया, और यहाँ पे जैसे मैं सेटिंग किया हूँ तो आपको देख रहा है कि यहाँ पे एकदम पास में आके यहाँ पे क्लोज हो गया, लिमिट लगा हुआ है, यहाँ पे टॉर्क नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओपन के साइड में दे दिया है। मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ और क्लोज करके भी आपको इस चीज़ों को दिखा देता हूँ। क्लोज करने के बाद में आप चीज़ों को देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है अभी अच्छे से, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे जाएगा, तब तक आप लिमिट भी देख रहे हैं, यहाँ पे लिमिट भी प्रेस कर रहा है, तो ये लिमिट आराम से आपको प्रेस कर जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी जाकर बंद हो, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग आप नहीं देखेंगे तो वो देखिएगा जरूर, क्योंकि ये करने के बाद से आपको हर चीज़ का डिटेल्स में पता हो जाएगा कि गियर बॉक्स का सेटिंग कैसे करेंगे, एक्चुएटर का लिमिट कैसे सेटिंग करेंगे, और साथ ही में इसका कंट्रोल वायरिंग पावर वायरिंग भी कैसे करेंगे, तो सब कुछ आपको पता हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।